लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेसन. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. हमने जो लास्ट अभी तक स्केजुलिंग के अंदर काम किए हैं अभी, वो ये था कि सबसे पहले हमने कहा कि हम एक प्लान बनाएंगे. लाइक ऑल नॉलेज एरियाज, हमने स्केजुलिंग का भी एक प्लान बनाया जिसका नाम हमने स्केजुअल मैनेजमेंट प्लान रखा. अब ये जो स्केजुअल मैनेजमेंट प्लान है, इसके अंदर वो तमाम गाइडलाइंस, वो तमाम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई हैं जो मुझे चाहिए बाकी अगले प्रोसेस स्केजुलिंग के जो मुझे करने हैं उनको कंप्लीट करने के लिए. लाइक अगला प्रोसेस है मेरा डिफाइन एक्टिविटीज का, और डिफाइन एक्टिविटीज में हमने बात ये की थी कि जो मेरे पास WBS का लोएस्ट एलिमेंट है जिसको हमने वर्क पैकेज कहा था, हम हर वर्क पैकेज को ब्रेक डाउन करेंगे फर्दर और ये देखेंगे कि एक वर्क पैकेज को कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है. तो ये मेरा पास बेसिकली ये प्रोसेस का नाम था डिफाइन एक्टिविटीज. फिर इस प्रोसेस के आउटपुट पे मुझे दो चीज़ें मिलती थी, एक था एक्टिव, एक्चुअली में तीन चीज़ें मिलती हैं, एक है मेजर, तीन चीज़ें हैं, एक है एक्टिविटी की लिस्ट मिल जाती है. उस लिस्ट के अंदर या अलग से मेरे पास एक्टिविटीज़ के एट्रीब्यूट्स भी आ जाते हैं, और फिर हमारे पास एक लिस्ट आती है माइलस्टोन्स की लिस्ट, एंड वी टॉक्ड अबाउट दिस ऑल इन डिटेल. थर्ड थिंग इज जो हमने पढ़ा, तीसरा जो प्रोसेस जो हमने शुरू किया था कि अब मेरे पास एक्टिविटीज़ की लिस्ट आ गई है और मुझे ये भी पता है दरमियान दरमियान में कुछ चेक पॉइंट्स लगे हुए जिनको हमने माइलस्टोन्स का नाम दिया था कि यार ये माइलस्टोन्स हैं, इनको इस डेट तक लाजमी कवर करना है, मे बी इस तरह के कोई कंस्ट्रेंट्स भी हमारे ऊपर आए हुए हों. तो अब इन सामने को चीज़ों को सामने रख के और जो मेरे पास एक्टिविटी की लिस्ट है इनको मैंने सीक्वेंस करना है. सीक्वेंस से मुराद ये है कि मुझे इनको पीरियड वाइज, टाइम वाइज जो है अरेंज करना है कि यार ये एक्टिविटी पहले होगी, ये एक्टिविटी बाद में होगी. फिर मैंने ये भी देखना है कि एक एक्टिविटी और दूसरी एक्टिविटी के दरमियान में मुझे कोई गैप भी देना है. जैसे मैंने कहा था कि अगर आपका वो प्लस्तर हो जाता है तो उसके बाद समटाइम्स, या हम ये जो अपनी स्लैब वो जो लेंटर डालते हैं तो उस पोर लेंटर पोर करने के बाद हमें कुछ वेट करना पड़ता है, दो दिन तीन दिन के वो ड्राई हो जाए. तो ये जो चीज़ें हैं उस वक्त तक हम में भी अगली एक्टिविटी स्टार्ट ना कर पाए. तो ये जो गैप है ये कितना होना चाहिए, या होगा या नहीं होगा दो एक्टिविटीज के दौरान. और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हमें दो एक्टिविटीज़ पैरेलल में स्टार्ट करने पड़ती हैं. लाइक एक एक्टिविटी ये चल रही है और आइडली तो वो एक्टिविटी ऐसे दूसरी एक्टिविटी अगली एक्टिविटी बाद में होनी है, बट हम कहते हैं कि नहीं यार इस पर थोड़ा सा इसको अर्ली स्टार्ट कर लेते हैं. तो इस तरह की कुछ चीज़ें हमने देखा कि यार सीक्वेंस करने के लिए मुझे कुछ बातों का पता होना चाहिए. एक बात थी कि मुझे डिपेंडेंसीज का पता होना चाहिए कि एक्टिविटीज, दो एक्टिविटीज या मल्टीपल एक्टिविटीज के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, कौन सी एक्टिविटी इस तरह एक खत्म होगी तो दूसरी स्टार्ट होगी, कौन सी एक्टिविटी पैरेलल में शुरू हो सकती है दोनों बाय एक वक्त स्टार्ट हो सकती है, कौन सी एक्टिविटी है जिसमें पहली एक्टिविटी का स्टार्ट होना मस्ट है दूसरी एक्टिविटी के स्टार्ट के लिए, एंड सो ऑन. और इनको हमने लॉजिकल रिलेशनशिप्स का नाम दिया था. और इसके अलावा हमने कहा था कि कुछ डिपेंडेंसीज की हमने दो एक और शक्ल भी देखी थी, और वो ये देखी कि कुछ डिपेंडेंसीज इंटरनल होती हैं और कुछ डिपेंडेंसीज एक्सटर्नल होती हैं. ठीक है, फिर हमने कहा था कुछ डिपेंडेंसीज मैंडेटरी होती हैं, कंपल्सरी होती हैं, जिसको हमने हार्ड लॉजिक का नाम दिया था, और कुछ जो है वो सॉफ्ट लॉजिक वाली होती हैं जिनको आप खुद प्रेफर करते हो, वो आपकी डिस्क्रिशन पे होती हैं, तो उसको हम कहते हैं कि डिस्क्रिशनरी या प्रेफरेंशियल या प्रेफर्ड वे ऑफ डूइंग द थिंग्स. ठीक है, तो ये हमने देखा था जनरल डिपेंडेंसीज. अब कुछ बातें और रह गई हैं जो मुझे लिए ज़रूरी हैं कि मतलब जिनका पता करना या सोचना या प्लान करना एट दिस स्टेज मेरे लिए ज़रूरी है, जिसके नतीजे में मेरा ये जो सीक्वेंस करने वाला काम है ये कंप्लीट हो जाएगा. और वो अभी मैंने थोड़ा सा हैंड आउट किया है, उसका नाम था लीड एंड लैग. और ये लीड एंड लैग वाला टॉपिक हमें कल स्टार्ट करना था, ऑल दो मैंने इसका एक हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन जो है वो करा दिया हुआ है. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लीड, लीड का मतलब ये है वो अमाउंट ऑफ टाइम जिसमें एक सक्सेसर एक्टिविटी वो है जो बाद में आने वाली है, कैन बी एडवांस्ड का मतलब ये है कि आप उसको अर्ली पुश कर देते. लाइक एक एक्टिविटी ये है, ये प्रीडिसेसर एक्टिविटी है, पहले हो रही है, दूसरी एक्टिविटी है, ये सक्सेसर एक्टिविटी है. अब मैं कितना टाइम इसको पीछे ले आऊं, इसको एडवांस में कर लूं इंस्टेड ऑफ कि ये एक्टिविटी ख़त्म हो और उसके बाद मैं इसे करूं, ये जो मेरे पास चीज़ आएगी ये इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज लीड. ये लीड जनरली हमारे स्केजुअल को कम करने के लिए यूज होता है. लेकिन ये आप याद रखिएगा, आगे हम पढ़ेंगे ये टेक्निक्स कुछ, कि जब भी आप पैरेलल में दो एक्टिविटीज काम करते हो तो फिर रिस्क ज्यादा हो जाता है और रीवर्क बहुत ज्यादा हो जाता है. ठीक है, ये देयर इज अ चांस कि आपको बार बार रीवर्क करना पड़े.
आइडियल केस तो यही था कि जी ये एक्टिविटी खत्म होगी तो अगली स्टार्ट होगी, बट बिकॉज मैं मे बी कुछ एक्टिविटीज को पैरेलल में करना चाहूँ, और उसकी रीजन बाजफ ही होती है कि एक और एक्टिविटी आगे हमारी ऐसी स्टार्ट होनी होती है या कोई माइलस्टोन ऐसा आया होता है जो मुझे हर हाल में इस डेट को कंप्लीट करना है, तो इन वजूहत की बिना पे मैं समटाइम्स एक सक्सेसर एक्टिविटी जो बाद में होने वाली है उसको पीछे शिफ्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इन एडवांस स्टार्ट कर लेता हूँ, उसका नाम हमने रखा हुआ लीड। एक और चीज है लैग। लैग ये है कि दो एक्टिविटीज के दरमियान में मैं कितना टाइम उसके दरमियान में डिले ऐड कर देता हूँ। अब ये जो डिले है इसको हम कहते हैं लैग ऐड करना, ठीक है। ये दो बड़ी यूजफुल टेक्निक्स हैं हम अपने स्केड्यूल को मतलब एडजस्ट करने के लिए, ये काम मतलब इन दोनों टेक्निक्स को यूज करेंगे। तो अब जब मेरे पास ये लीड एंड लैग आ जाता है, अब आप देखिए मुझे सारी एक्टिविटीज़ की लिस्ट मिल गई थी, उस एक्टिविटीज़ के दरमियान लॉजिकल रिलेशनशिप क्या है मुझे वो पता चल गया हुआ है, और मुझे ये भी पता चल गया कि लीड ऐड करना है नहीं करना, लैग करना है नहीं करना। और फिर एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात हमने देखी थी, वो ये थी कि यार कौन सी एक्टिविटीज़ के दरमियान ऐसा रिलेशनशिप है जो मैं चेंज नहीं कर सकता, वो हार्ड लॉजिक है, वो इन एनी केस ऐसा ही होगा। और फिर मैंने देखा कि यार कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है, लेट्स से मैं रेड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसने जो हार्ड लॉजिक है वो रेड वाले हैं, ठीक है, और जो सॉफ्ट लॉजिक वाले हैं वो ये ग्रीन वाले हैं। तो अब ये जितना भी ग्रीन वाली जगह है ये मुझे एक हिंट करेंगी कि यार दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे मैं आई कैन प्ले अराउंड, और वो प्ले अराउंड से मुराद ये है कि मैं मेरे पास एक मार्जिन है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर मुझे अपना स्केड्यूल एडजस्ट करना है तो हार्ड लॉजिक को मे बी मैं नहीं चेंज कर सकता, बट सॉफ्ट लॉजिक में मैं एक्टिविटीज को आगे पीछे शिफ्ट करके लीड लैग अप्लाई करके कोई एक्टिविटीज जो पहले ऐसे सीरीज में हो रही हैं वो सीरीज में करने की बजाय मैं पैरेलल में स्टार्ट करके तो मैं अपने स्केड्यूल को एडजस्ट कर सकता हूँ। सिर्फ स्केड्यूल को जल्दी कंप्लीट करना प्रोजेक्ट का बाजफ है, मतलब सिर्फ एक ये चीज नहीं है या एक ये सिचुएशन नहीं है जिसमें हम लीडर लैग अप्लाई करते हैं, और भी बहुत सारी रीजन है। मसलन एक रिस्क है, और रिस्क ये है कि जी लेट्स से जून के अंदर टैक्स लगने की एक उम्मीद है हमें, ओके सो हमने जो प्रोक्योरमेंट वाले काम करने हैं मे बी आई वुड लाइक कि वो जल्दी मैं कर लूँ। अब ये स्केड्यूल ऐसा इस तरह नहीं कि प्रोजेक्ट लेट हो रहा है, बट दरमियान में मुझे कोई रिस्क एड्रेस करने के लिए काम पहले करना पड़ रहा है, मॉनसून स्टार्ट होने वाला है, वीकेंड पे कोई मसला है, ईद की छुट्टियां आ रही हैं, रमजान स्केड्यूल शुरू हो जाएगा, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जहां पे हम समटाइम्स चीजों को पहले मूव कर देते हैं, या बाज दफा आप कहते हैं कि या फिर इसको हम यूं करते हैं ईद के आगे शिफ्ट कर लेंगे। अच्छा मतलब ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक लेंटर डालना है और वो लेंटर जो है वो ईद के सेकेंड डे थर्ड डे पे प्लान हो रहा है, अगर मैं नॉर्मल करता हूँ तो अब मुझे पता है कि मेरे स्टाफ ने चला जाना है तो, और मैं ये चाहूँगा कि यार ये ईद से दो तीन दिन पहले हो जाए क्योंकि उसके बाद वैसे ही इस पर कोई काम नहीं होना जब तक ये ड्रायर टॉर या पानी शानी मैं खुद दे लूँगा या कोई एक आधा चौकीदार रख के आप वो कर सकते हो। सो ये वो काम है कि सिर्फ ये नहीं कि मेरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन लेट हो रहा है बल्कि दरमियान में भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए आप ये टेक्निक्स यूज करते हो। अच्छा अब जब मेरे पास फर्स्ट टाइम हम ये एक्टिविटीज को सीक्वेंस कर रहे होंगे, इस तरह एक्टिविटीज बना रहे होंगे और उनको सीक्वेंस मैंने कर लिया और उसके नतीजे में एक प्लेन नेटवर्क डायग्राम मेरे पास आ जाएगी, फिर मैं इन एक्टिविटीज के ऊपर ड्यूरेशन भी ऐड कर सकता हूँ, फिर मैं इसके ऊपर लीड एंड लैग की भी सिनेरियो कर सकता हूँ। मेरे पास एक पूरी नेटवर्क डायग्राम आएगी और मैं ये नेटवर्क डायग्राम का एनालिसिस करूंगा कि व्हाट आर द स्पेसेस और प्लेसेस जहां पे मेरे पास मार्जिन है चीजों को आगे पीछे शिफ्ट करने का। अच्छा अब ये जो इनिशियली हम कर रहे हैं तो वो उस वक्त हमें बहुत सारी चीजें मे बी अनसर्टन हो, बहुत सारी चीजें हमें पता ना हो। जैसे मैंने कहा था कि जब मेरे पास एक एक्टिविटीज की लिस्ट बनती है तो उस वक्त एक्टिविटीज की लिस्ट के साथ इन एक्टिविटीज के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स मुझे नहीं पता होते जब मैं बना रहा होता हूँ। अब जब मैं सीक्वेंस करूंगा, फॉर एग्जाम्पल जब मैं एक्टिविटीज को सीक्वेंस कर रहा हूँ तो मुझे ये समझ आ गई है कि प्रीडिसेसर एक्टिविटी कौन सी होगी, लेट्स से ये एक्टिविटी ए है, ये एक्टिविटी बी है, ये सी है, एंड सो ऑन। तो अब मैं एक्टिविटी ए के सामने लिख सकता हूँ कि भाई इससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, ये भी लिख सकता हूँ कि इसके बाद ये एक्टिविटी है, अब मैं ये भी लिख सकता हूँ कि इसके ऊपर लीड है या नहीं है, लैग है या नहीं है, एंड सो ऑन। इसी तरह जब बाद में मेरा या पैरेलल में एक और नॉलेज एरिया कॉस्ट का, जहाँ पे कॉस्ट के एस्टिमेट हो रहे हैं तो इस एक्टिविटी की कॉस्ट भी मैं लिख सकता हूँ। इसी तरह रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो भी मैं लिख सकता हूँ। जैसे जैसे जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती जाएगी मैं उस इन्फॉर्मेशन को अपनी इस एक्टिविटी लिस्ट के ऊपर ऐड करता जाऊंगा। अच्छा अब अगेन जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, समझ आया मुझे, लैग ये है कि आपने दो एक्टिविटीज के दरमियान में डिले इंट्रोड्यूस करवाते हैं।
अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक एक्टिविटी है जो मुझे लेंटर डालना है और दूसरी एक्टिविटी है वो शटरिंग वगैरह को हटा के अगला काम शुरू करना है, अब आपके ख्याल में शटरिंग कब हटेगी? क्या जिस दिन मैंने लेंटर डाला फौरन आज लेंटर डल गया तो अगले दिन मैं सुबह हटा दूंगा? ऑब्वियसली नो, मैं वेट करूंगा कि यार ये क्योर हो जाए, ये जो मैंने ऊपर डाला है कंक्रीट डाला है वो क्योर हो जाए, वो सूख जाए, मतलब ड्राई हो जाए, पक जाए, और उसके बाद मैं अगली एक्टिविटीज। तो ये जो मैंने इंटेंशनल गैप डाला इन दोनों के दरमियान में, अब और कोई एक्टिविटी है ही नहीं, लेकिन आई वुड लाइक कि यार दरमियान में 2 या 3 दिन का गैप हो। ये जो गैप मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था इसको मैं कहता हूँ लैग, ठीक है जी। अच्छा, दैट मीन्स अगर मैं दो एक्टिविटी को के दरमियान टाइम ऐड कर दूं तो लैग है, अगर वो टाइम शॉर्ट करके मैं पैरेलल में शुरू कर दूं तो वो एक तरह से लीड है। पीछे शिफ्ट करने को लीड कहते हैं, आगे लेट लेके जाने को लैग कहते हैं, आसान अल्फाज ये। अच्छा, जितना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होगा उतना ही आप देखेंगे कि आपके पास ना ये ऑप्शंस भी ज्यादा होंगी खेलने की, लेकिन उतना ही डिपेंडेंसीज भी ज्यादा होंगी। मतलब बहुत सारे आप कहोगे यार इस एक्टिविटी को मैं पीछे ले जाऊं तो उसकी वजह से आपको बहुत सारी चीजें, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बड़े आराम से कह दिया यार प्रोक्योरमेंट है जो टैक्स लगने हैं तो उससे पहले 1 महीना पहले कर दो। ओके, 1 महीना पहले प्रोक्योरमेंट का मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि वो जो मुझे अखबार में एडवर्टाइजमेंट देनी है वो भी 1 महीना पहले ले आओ, उसके बाद वो जो मैंने क्या कहते हैं बिड्स कॉल करनी है, लोगों ने बिड सबमिट करनी है, वो डेट भी 1 महीना पीछे ले आओ, उसके बाद जो प्री ओपनिंग बिड ओपनिंग वाले मीटिंग होनी है या प्री बिड मीटिंग होनी है वो भी 1 हफ्ता, मतलब सो ऑन। और फिर हो सकता है मुझे एडिशनल स्पेस क्रिएट करनी पड़े, मैंने तो अपना नॉर्मल रूटीन का मटेरियल जहाँ पे रखना था स्टोर करना था वो तो मेरा एक नॉर्मल प्लान के मुताबिक था, बट नाउ अगर मुझे जल्दी क्यों करना है तो ऑलरेडी वो स्पेस या वो जो भी जिसको हम कहते हैं कि मेरा जो वेयर हाउस है या जहाँ पे भी मैं अपने मटेरियल सेव स्टोर कर रहा हूँ वो मे भी अब मुझे उसमें भी कुछ एडिशनल स्पेस देखनी पड़े। सो देयर इज टू मेनी थिंग्स जो आपको कंसिडर करनी पड़ती हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज या जो अच्छी चीज है वो ये है कि भाई हम ये सब का सब इतनी डिटेल में जब सोचते हैं ना तो हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है, हमें प्रोजेक्ट के अंदर सरप्राइजेस नहीं मिलते हैं। दूसरी बात, हमारा एक सॉफ्टवेयर स्कैजुलिंग का सॉफ्टवेयर है हमारे पास, एक मतलब मल्टीपल अवेलेबल है, वो आपको इस चीज में हेल्प आउट करते हैं, आपको बार बार चीजें, मतलब एक मेरे पास एक्टिविटी है, लेट्स से ये नेटवर्क डायग्राम है, ये जो एक लाइन है ये एक्टिविटी को शो कर रही है, ठीक है, इस तरह की एक नेटवर्क डायग्राम है और इसके 100+ जो है ना यहाँ पे एक्टिविटीज है और सबका एक अजीब सी खिचड़ी बनी हुई है, एक दूसरे के साथ डिपेंड, ये वाली इसके साथ लिंक्ड है, ये वाली इसके साथ भी लिंक्ड है, ये दरमियान में इधर जाके भी लिंक्ड है, उसके बाद एक और है ये एक्टिविटी इसके साथ लिंक्ड है, ये वाली इधर लिंक्ड है, एंड सो ऑन। ज़ाहिर है एक जो बड़ा प्रोजेक्ट पे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है जो नेटवर्क डायग्राम है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गए। तो अब मुझे अगर मैं कहता हूँ कि यार अगर मैं किसी तरह इस वाली एक्टिविटी को 3 दिन पीछे ले जाता हूँ तो ओवरऑल क्या फर्क पड़ेगा? ज़ाहिर है बहुत सारी एक्टिविटीज आगे पीछे जो, तो मैं कहता हूँ कि यार अगर मेरे पास लेट्स से कस्टम क्लियरेंस में 15 दिन एडिशनल लग गए तो क्या होगा, लेट्स से NOC मिलते हुए मुझे 10 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं तो क्या होगा, इसको हम कहते हैं व्हाट इफ सिनेरियो, व्हाट इफ दिस थिंग हैपेंड, व्हाट इफ दिस थिंग हैपेंड। तो अगर तो मेरे पास ये सिर्फ नेटवर्क डायग्राम मैनुअल होता तो जाहिर है मुझे कितनी कितनी डायग्राम जो है ना वो ड्रॉ करनी पड़ती, बट इंटरेस्टिंगली हमारे पास ये जो स्केजुलिंग का सॉफ्टवेयर है जो कि PMIS का पार्ट होता है वो हमें ये व्हाट इफ सिनेरियो जो है ना उसके एनालिसिस के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। सो अब मैंने एक्टिविटीज को सीक्वेंस कर लिया हुआ और उसके रिजल्ट में मेरे पास एक नेटवर्क डायग्राम बनी है। अब मैं जरा जल्दी से आप लोगों को ऑलरेडी मतलब मैं आगे दिखाऊंगा भी और मैंने कल भी थोड़ा सा हिंट दिया था। आप सबसे पहले क्या काम करते हो कि मेरे पास जो एक्टिविटीज हैं लेट्स से ABCD इस तरह एक्टिविटीज हैं और मैंने उन एक्टिविटीज के अंदर पहले इनकी डिपेंडेंसीज देखूंगा। डिपेंडेंसीज में मैं देखता हूँ कि यार ए को करने से पहले कोई काम करना है या नहीं करना, लेट्स से नहीं है ये, दिस इज माई फर्स्ट एक्टिविटी, और ये भी हो सकता है पैरेलल में ही बी भी जो है मेरी पहली एक्टिविटी हो, ये दोनों मैं पैरेलल में स्टार्ट कर सकता हूँ। और फिर मैं कहता हूँ कि जो सी है वो तब होगी जब बी कंप्लीट हो जाएगी और जो डी है वो तब खत्म होगी या तब स्टार्ट होगी जब ए एंड सी दोनों होगी, एंड सो ऑन। अब ये जो मेरे पास सामने सिनेरियो आ जाता है और फिर मैं कहता हूँ कि जो ई है वो तब होगी जब मेरे पास डी एंड लेट्स से बी जो है ये खत्म होगी, सॉरी डी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या है कि आप बड़े आराम से जो पहली एक्टिविटीज है वो लिखें, ये मेरे पास ए है, ये उन लोगों के लिए स्पेशली जिन्होंने अभी तक नेटवर्क डायग्राम नहीं बनाना सीखी हुई, मैंने ए लिखा
और बी से पहले भी निल है। बेसिकली इससे पहले मैं अगर यूं एक अपनी आसानी के लिए यहाँ पे स्टार्ट लिख लेता हूँ कि जब मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो दो चीज़ें या दो काम इकट्ठे स्टार्ट होंगे, एक एक्टिविटी ए है, एक्टिविटी बी है, क्योंकि इससे पीछे कोई प्री रिक्विजिट या हमारे पास एक्टिविटी नहीं है। फिर मैं कहता हूँ मुझे एक्टिविटी सी तब स्टार्ट करूँगा जब बी ख़त्म हो जाएगी। दैट मीन्स बी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, ये जब बी ख़त्म होगी तो सी स्टार्ट होगी। अब एक्टिविटी डी तब ख़त्म होगी जब तब स्टार्ट होगी जब ए एंड सी दोनों कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये मेरे पास एक्टिविटी डी है और ये डिपेंड कर रही है ए पे भी और सी के ख़त्म होने पे भी, ओनली देन आई विल बी एबल टू स्टार्ट दिस। अब इस मैं अभी फिलहाल इतना ही रखता हूँ। ये आपको ना बहुत सारी ऑप्शंस कैसे देती हैं, वो इस तरह देती हैं कि यार लेट्स से एक्टिविटी ए, अभी हमने ड्यूरेशन एस्टिमेट नहीं किया, अगले प्रोसेस में करेंगे, बट लेट्स से ये एक्टिविटी ए के 5 दिन लगते हैं, एक्टिविटी बी के 4 दिन लगते हैं, एक्टिविटी सी के 7 दिन लगते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि डी जब स्टार्ट होगी इन एनी केस 4 दिन ये और 7 दिन ये, मुझे 11 दिन लगने ही लगने हैं। चाहे मैं 5 दिन में एक्टिविटी ए खत्म भी करके बैठ जाऊं, स्टिल मुझे वेट करना पड़ेगा, जब तक सी भी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक मैं डी स्टार्ट नहीं कर सकता। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक मार्जिन, एक फ्लोट, हम इसको कहते हैं, हम पढ़ेंगे फ्लोट बड़ी डिटेल में अभी स्केड्यूलिंग के अंदर ही, एक फ्लोट या मार्जिन आ गया, अवेलेबल हो गया। वो क्या है? लेट से मुझे कुछ रिसोर्सेज हैं और वो रिसोर्सेज मुझे एक्टिविटी, किसी और एक्टिविटी यहाँ पे पैरेलल में हो रही है उस पर चाहिए, अब और वो रिसोर्सेज ए पे भी यूज होने हैं। सो मेरे पास एक मार्जिन है कि यार अगर मैं एक्टिविटी ए को इसके साथ पहले दिन स्टार्ट करने की बजाय लेट स्टार्ट करूं तो भी ओवरऑल मेरा ड्यूरेशन इफेक्ट नहीं होगा। वाई? क्योंकि ये तो 5 दिन में खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है अगर मैं एक्टिविटी ए को 6th दिन day 6 पे स्टार्ट करता हूं, पहले 6 दिन या 5 दिन में अपनी रिसोर्सेज किसी और जगह यूज कर लेता हूँ, तो मैं लेट्स से बी पे यूज कर लेता हूँ तो बी कंप्लीट हो जाएगी 4 दिन में, और फिर मैं वो रिसोर्सेज आफ्टर 4 डेज वही रिसोर्सेज ए पे लगा दूंगा। अगर वो एक ही तरह का काम है, जाहिर है मतलब ये नहीं हो सकता कि मैकेनिकल काम पे मैं इलेक्ट्रिकल के बंदे लगा दूंगा, अस्यूमिंग कि एक ही तरह का। सो अब मेरे पास एक मार्जिन जनरेट हो गया कि यार मैं एक्टिविटी ए को चाहे तो पहले दिन कर लूँ, चाहे 2 दिन बाद स्टार्ट कर लूँ, चाहे 3 दिन, 6 दिन तक मैं आगे लेके जा सकता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं 6th डे पे स्टार्ट करता हूँ तो वो 11th डे पे ख़त्म होगी। अब इससे 1 दिन भी ऊपर मैं लेके गया तो फिर जाहिर है मेरे डी एक्टिविटी लेट होने का चांस है, 11 दिन तो लगने ही लगने हैं। तो ये मेरे पास इस तरह के मार्जिन जो आ जाते हैं। सो साद उमेर, आप लोगों को ये बात समझिए जो मैंने अभी बोली। अरकम, आई गेस आपका बैकग्राउंड जो है और है प्रोजेक्ट मैनेजर जी, बिल्कुल आइए। लेकिन ये लैग्स जोन से हैं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, लैग्स जोन से ये प्री डिफाइंड होते हैं व्हाइल मेकिंग द स्टैंडर्ड के जी। कुछ चीजें हैं जो आप खुद डिसाइड करते हो। जो हमने क्या कहा था कि हमारे पास मैंडेटरी लॉजिक होती है। मैंडेटरी लॉजिक क्या है? जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि अगर मैं लेंटर डाल रहा हूँ तो अब वो गीले लेंटर पे तो मैं नहीं कुछ कर सकता ना, मुझे उसको टाइम देना ही देना है। तो ये अब बाय डिजाइन मैं कुछ नहीं कर सकता। सो इस तरह के कुछ रीजंस होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जहां पे आप लैग कर सकते हो ऐड। बाज जगहों पे लैग कंपल्सरी होता है ऐड करना, बाज जगहों पे लीड कंपल्सरी हो जाता है बिकॉज ऑफ सम you know constraints or deadline imposed on you. Baz dafa aapke paas issues bhi kya sakte hain? Sorry, lead maine ka performance issues mein bhi aapki, ha performance issues mein bilkul hum usko adjust karte hain. Exactly, agar mere paas koi problem aati hai to main chahunga ki yaar kaun si aisi jagah hai jahan se main resources nikal lu. Ek activity hai jis pe mere paas margin hai, jaise abhi humne activity a ki baat ki thi, activity a ke upar mere paas margin tha, तो मैं कहता हूँ यार ये जो एक्टिविटी ए है इस पे मैं 4 बंदे लगाता हूँ तो ये 5 दिन में खत्म होती है, मुझे 5 दिन में खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी नहीं है, तो मैं इस पे 1 या 2 रिसोर्सेज इस पर डिप्लॉय कर देता हूँ, बाकी 2 को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और उस एक्टिविटी पे जाके लगा देता हूँ जो मुझे जल्दी करनी है, ठीक है यार, जहाँ पे मेरा डिले आ गया, जो आप परफॉर्मेंस इश्यू की बात करें, ताकि मैं उस डिले को मेकअप कर सकूं। एनीवेज, अच्छा अब इसमें 1-2 बातें, मतलब बाकी तो मैंने आपको ये नेटवर्क डायग्राम बनानी सिखा दी कि स्टार्ट के बाद क्या होगा और बिफोर फिनिश क्या होगा, प्रेडिसेसर एक्टिविटी कौन सी है, सक्सेसर कौन सी है। एक बात और इम्पोर्टेंट है, वो क्या है?
वो ये है कि हमें ना ये पॉइंट नेटवर्क डायग्राम के ऊपर तमाम ऐसे पॉइंट जहां पे एक एक्टिविटी, लेट्स से ये एक्टिविटी ई है, इस एक्टिविटी से पहले बहुत सारी एक्टिविटीज आ रही हूँ. लाइक मैं कहता हूँ ई तब स्टार्ट हो जा सकती है जब ये सी भी खत्म हो, जब डी भी खत्म हो, लेट्स से जब बी भी खत्म हो. ये तीनों या चार या पांच इस तरह और भी एक्टिविटी, जब तक ये खत्म नहीं होती ई स्टार्ट नहीं हो सकता. अब ये वो पॉइंट है, इसको हम कहते हैं मल्टीपल एक्टिविटीज आर कन्वर्जिंग एट दिस पॉइंट. मल्टीपल एक्टिविटीज एक ही जगह आके कन्वर्ज हो रही है. अब ये जो कन्वर्जेंस का पॉइंट है ना, ये रिस्क इसके अंदर बहुत हाई होता है. रिस्क क्या हाई होता है, देखें सी में से डी या बी में से कोई एक एक्टिविटी भी अगर स्टक हो गई ना तो ई लेट हो जाएगी. हम इस वक्त कैजुअल के टर्म्स में बात करें, कोई भी इनमें से एक्टिविटी में से अगर लेट हो गई अपने प्लान से तो ऑब्वियसली ई को इफेक्ट होगा और इससे आगे जितना भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी जो एक्टिविटी इससे आगे निकल रही है, वो सारी की सारी स्टक हो जाएगी. अच्छा, इसी तरह ये तो हो गया पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस. तो हाई रिस्क होता है जहां पे पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस हो. और पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस यानी कि एक एक्टिविटी से आगे बहुत सारी एक्टिविटीज अगर निकल रही हो, लाइक ई के बाद जो है ना, हमने कहा जैसे ये लेंटर डलेगा ये भी होना है, ये एक्टिविटी भी स्टार्ट होनी है, ये भी स्टार्ट होनी है और हम ये काम भी कर देंगे. अच्छा, अब इन तीनों में लाइक अगर मैं आपको कहूँ, आप लोगों ने सोचा यार मैं जैसे पी एम पी एग्जाम क्लियर करूंगा ना, उसके बाद मैंने यार वो घर पे भी काम करवाना है, मैंने गाड़ी का भी काम करवाना है, मैंने दोस्तों के साथ भी कहीं घूमने जाना है, फैमिली को भी लेके जाना है, बहुत सारे काम पेंडिंग है. लेकिन अगर ये काम लेट हो गया एक ही एक्टिविटी, तो उसके बाद वाली सारी ख्वाहिशात आपकी दम तोड़ सकती हैं या आपको वेट करना पड़ेगा. सो आपके तमाम पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस एंड पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस से मुराद है एक एक्टिविटी से मल्टीपल एक्टिविटीज निकल रही हो, और कन्वर्जेंस से मुराद है कि मल्टीपल एक्टिविटीज एक जगह आके कन्वर्ज हो रही है. तो इन दोनों जगहों पे हाई लेवल ऑफ रिस्क होता है. ये आपने लाजमी याद करना है कि याद रखना है कि जहाँ पे पाथ कन्वर्जेंस और पाथ डाइवर्जेंस होगी वहां पे हमारे पास हाई रिस्क होगी. ये क्यों करना है, मेरे पास जब नेटवर्क आगे हम कुछ एक्सपेक्टेड, मतलब बहुत सारी आज थ्योरी पढ़ेंगे और बहुत सारी नई चीजें, स्पेशली जिन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पहले नहीं पढ़ी हुई उनके लिए बहुत सारी नई चीजें अभी इंफॉर्मेशन आएगी, आज तो बहुत ही आएगी. अच्छा, अब और आखिर पे अभी आप सिर्फ इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट को सीखते जाएं, आखिर पे मैं जब इनको इनका कंबाइंड यूज करूंगा ना, कि एक नेटवर्क डायग्राम सामने रखेंगे और मैं आपसे पूछूंगा कि यार व्हाट डू यू थिंक, अगर मुझे स्केड्यूल आगे पीछे करना है तो कौन कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनके साथ आई कैन यू नो प्ले, तो उसमें आपको लॉजिक से समझ आना शुरू होंगे कि अच्छा यार अगर मैंने इसको पहले हिला दिया तो कोई फायदा नहीं है, इस एक्टिविटी को हिलाया तो इसका मुझे एक्चुअल में फायदा मिलेगा, एंड सो ऑन. अच्छा, अब हम आते हैं कि नेटवर्क डायग्राम ना सिर्फ हमें ये बताता है कि यार हमारी एक्टिविटीज किस तरह सीक्वेंस होगी, बल्कि नेटवर्क डायग्राम हमें एक्टिविटीज को पैरेलल में भी प्लान करने का या उसके अंदर लीड और लैग लगाने का भी एक ऑप्शन देता है. अच्छा, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के अंदर हमारा मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होंगी जो पैरेलल में चल रही होंगी, जहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटीज हो रही है. ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक काम हो रहा है और बाकी सब हाथ पे हाथ धरे बैठे, ऐसा नहीं होता. पैरेलल में बहुत ज्यादा काम होते हैं. बट एक बात आपने इन जनरल वैसे याद रखनी है, जब भी काम ज्यादा एक्टिविटीज पैरेलल में होती है, देयर इज अ चांस कि आपका काम खराब होगा, देयर इज अ चांस, देयर इज अ रिस्क ऑफ रीवर्क, इट्स ऑलवेज देयर. ठीक है. अच्छा, सो आपने नेटवर्क डायग्राम को के बारे में मतलब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, ये ड्रॉ करना तो आएगा, एक आधे क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन इस नेटवर्क डायग्राम से हम क्या कुछ कर सकते हैं इसके बारे में भी आपसे थोड़े से ट्रिकी से क्वेश्चंस भी आएंगे. हम सारे कवर करेंगे, आपको ये वरी करने की जरूरत नहीं है, इतनी इसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे कि इंशाल्लाह एग्जाम के लिए आप मोर देन रेडी होंगे. यहाँ पे हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स भी करेंगे, एग्जाम के अंदर कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स नहीं आती. मतलब नेटवर्क डायग्राम भी आया ना तो तीन से चार एक्टिविटीज का आएगा बस, कि उन्होंने सिर्फ ये देखना है कि क्या आपको ये पता है कि सक्सेसर एक्टिविटी क्या है, क्या आपको ये पता है प्रेडेसर. वो तीन या चार एक्टिविटीज ऐसे बना के और कहेंगे अच्छा यार बस क्रिटिकल पाथ फाइंड करते हैं, दैट्स इट. तो क्या आपको क्रिटिकल पाथ का मतलब पता हुआ तो आप इन तीन एक्टिविटीज से ही निकाल लेंगे. अगर आपको मतलब नहीं पता हुआ तो चाहे आपके पास तीन एक्टिविटी हो चाहे दस हो, आप नहीं निकाल सकते. ठीक है, तो आपको उन्होंने ये नहीं देखना कि आप कितने मास्टर हो, बट उन्होंने आपको ये देखना है कि आपको वो लॉजिक या कॉन्सेप्ट पता है या नहीं है. ओके, अब आपको ये नेटवर्क डायग्राम क्या क्या या किन किन कामों में सपोर्ट करती है. पहली बात
ये हमें प्रोजेक्ट का ओवरऑल एस्टीमेट फाइंड करने में हेल्प करेगी। अभी नहीं, अभी हमने तो ये प्रोसेस किया है, एक किया डिफाइन एक्टिविटीज का और दूसरा सीक्वेंस एक्टिविटीज का। अब जब मैं एक्टिविटीज के ड्यूरेशन भी इस पे ऐड करूंगा तो फिर मैं प्रोजेक्ट का ओवरऑल टाइम का या ड्यूरेशन का एस्टीमेट निकालूंगा। अभी नहीं, ये अगला प्रोसेस होगा, बट ऑब्वियसली वो ड्यूरेशन एस्टीमेट आएगा जैसे ही मेरे पास, तो वो मैं नेटवर्क डायग्राम के ऊपर ही लगाऊंगा, यही नेटवर्क डायग्राम होगी। और अभी मैं सिर्फ एक्टिविटीज लिख रहा हूँ ए बी सी, और फिर मैं उनके साथ ड्यूरेशन भी लिखना शुरू कर दूंगा और उस बेस पे मैं प्रोजेक्ट का टोटल यू नो ड्यूरेशन वो निकाल लूंगा। एक बात, दूसरी बात, ये हमें हेल्प करती है इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। जाहिर है जब आप इतना प्लान्ड वे में चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड वे में लिख लेते हो, उसके बारे में सोच लेते हो, डिस्कशन कर लेते हो, बहुत सारी ऑप्शंस पे गौर कर लेते हो, तो इट्स ऑलवेज यू नो इट गिव्स यू अ वेरी गुड प्लान एक्चुअली। और फिर आपको उसको ऑर्गेनाइज करना और कंट्रोल करना या मैनेज करना और कंट्रोल करना भी आसान हो जाता है। फिर इससे हमें यह भी पता चलता है कि यार कौन सी एक्टिविटीज दूसरी एक्टिविटी के साथ बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है, और वो जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है और पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है, वहां पे ऑब्वियसली रिस्कियर एक्टिविटीज आपको पता चल जाती है कि यार यहाँ पे एक एक्टिविटी पिछले पांच एक्टिविटीज पे डिपेंडेंट है, और उसकी वजह से अगर इनमें से पांचों में से कोई एक एक्टिविटी भी आगे पीछे हुई, मेरे इससे आगे वाला प्रोजेक्ट सारा लेट होने का चांस है। फिर आपको ये भी अंदाजा होता है कि जो ओवरऑल वर्क फ्लो है वो क्या होगा। अब आप सोचें कि यार मैंने जो WBS बनाया था, उस WBS के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द वर्क, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, लेट्स से और सिविल वर्क का, प्लम्बिंग का, मल्टीपल चीज़ों के लीगल काम कुछ हो रहे होंगे, मल्टीपल चीज़ों के मेरे पास वर्क पैकेजेस नीचे आ रहे हैं, आखिरी लेवल वर्क पैकेज का, और उनको मैं फिर एक्टिविटीज में ब्रेक कर रहा हूँ। लेकिन अब ओवरऑल प्रोजेक्ट के फ्लो क्या होगा, और वो फ्लो आपको समझ आता था कि यार सबसे पहले हमने लेट्स से ये अप्रूवल लेना है और ये NOC लेना है, जब ये आएगा तो उसके बाद हमने एक ये करना है, फाउंडेशन ले करनी है, साथ में हमें वो जो मटेरियल प्रोक्योर करना है, शायद प्रोक्योरमेंट वाला ये हो, वो प्रोक्योरमेंट वाला काम शुरू हो जाएगा, और हमने जो लेट्स से साथ में एक्सेवेटिंग वो जो डिग करना है या बेसमेंट के लिए खुदाई करनी है, लेट्स से वो वाला काम भी यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो आपको वर्क फ्लो समझ आ जाता है किस ऑर्डर में काम होना है। उसके बाद वरना तो वर्क पैकेज वाला, एक वर्क पैकेज मैनेजर और उसके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, वो फोकस तो सिर्फ अपने काम पे होंगे, बट उन्हें ये अंदाजा होगा कि यार मैं ये काम करूंगा तो अगली एक्टिविटी चलेगी, तो मेरा ये काम करना टाइमली कितना जरूरी है, तो एक दूसरे की डिपेंडेंस। और अगर ये लेट हो रहा है या जल्दी खत्म हो रहा है, इवन लेट्स से ये 10 दिन के बजाय मुझे लगता है 5 दिन में, तो मैं अगली एक्टिविटीज को हेड्स अप दे दूंगा कि भाई आप जो सोच रहे हैं ना कि मंडे से आएंगे, मंडे से नहीं, आपके जो काम है वो वेंसडे से स्टार्ट हो जाएगा, सो आप अपने सारा प्लान अकॉर्डिंगली उस तरह कर लें। अच्छा, देन मेरे पास वो अपॉर्चुनिटीज कैजुअल को कंप्रेस करने की वो मिलती है, जैसे अभी मैंने कहा कि यार ये कैजुअल कंप्रेशन हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन आती है कि यार मैं अपने स्केड्यूल को किस तरह शॉर्ट कर सकता हूँ। जैसे अभी मैंने कहा कि यार एक एक्टिविटी है, वो चाहे मैं 5 दिन में खत्म करूँ, चाहे 6 दिन में करूँ, चाहे 7 दिन में, मेरा प्रोजेक्ट लेट नहीं होता, क्योंकि बाकी एक्टिविटीज जब तक कंप्लीट ही होगी, इससे आगे वाले काम स्टार्ट नहीं हो सकता, वो जो एक्टिविटी एक का मामला था। तो मेरे पास ऑप्शन है कि यार इधर से रिसोर्सेज निकाल लूं, इसको 5 दिन की बजाय मैं 8 दिन 9 दिन में ले जाऊं, और जो बाकी काम है यहाँ से 4-3 रिसोर्सेज निकल के दूसरी एक्टिविटी में लगाऊंगा, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो जो 11 दिन में काम होना है वो 8 दिन में हो, तो 8 दिन में अब ये भी खत्म हो जाएगा, 8 दिन में ये भी हो गया, तो मेरे पास 3 दिन का एक्चुअली मैं स्केड्यूल में कंप्रेस कर सकता हूँ, और भी बहुत सारी चीजें, विल टॉक अबाउट दैट। अच्छा, फिर हमारे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस हमें समझ आ रही होगी कि अच्छा यार लाइक अगर मैं इसको स्पेशली टाइम फेस्ड कर दूं ना, टाइम फेज लाइक यहाँ पे जनवरी है, फेब है, मार्च है, अप्रैल है, या 10-10 दिन हर मंथ के कर दूं, और एक एक्टिविटी है उसने यहाँ स्टार्ट होना है, और मैं सिंपली जनरली सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि ये मेरे पास लेट्स से एक्टिविटी इस तरह गैंट चार्ट जिसको हम कहते हैं प्लान हुई भी होती है, ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है, एंड सो ऑन, मल्टीपल एक्टिविटीज हैं, कोई जनवरी में शुरू हो रही है, देखें यहाँ पे शुरू हो रही है, कोई इस दिन को लेट्स से ये 10 तारीख को शुरू हो रही है, कोई 20 को शुरू हो रही है, एंड सो ऑन। अब वो साथ में इसके साथ एक दूसरा कलर ऐड करना शुरू कर देते हैं, लेट्स से ये एक्टिविटी है और ये इतनी कंप्लीट हो गई है, तो कहेंगे जी ले ये इसके साथ प्रोग्रेस है, ये वाली एक्टिविटी पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है, ये वाली एक्टिविटी लेट्स से अभी स्टार्ट ही नहीं हुई या इतनी हुई है,
ये एक्टिविटी अभी स्टार्टिंग है, ये भी स्टार्टिंग है, तो इससे आपको अपनी प्रोग्रेस मॉनिटरिंग भी एक्चुअल में मिल जाती है, या आपको एक ये टूल या एक मेथड मिलता है जिससे आप अपनी प्रोग्रेस मॉनिटरिंग को देख सके और रिपोर्ट भी कर सके इसी तरह। अच्छा, अब मेरे पास एक दो सीक्वेंस एक्टिविटीज का मेजर जो आउटपुट आता है वो आपने देखा नेटवर्क डायग्राम है, लेकिन जब आपको ये नेटवर्क डायग्राम के अंदर, और नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए आप करते क्या है, आपने एक्टिविटीज के दरमियान इंटरडिपेंडेंसीज देखी, तो अब वो जो मेरे पास एक्टिविटीज की लिस्ट थी उस लिस्ट को मैं अपडेट कर सकता हूँ, उस लिस्ट के में मैं लिख सकता हूँ कि इस एक्टिविटी से पहले कौन सी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी है, कोई लीड है या नहीं है, कोई लैग है या नहीं है, और इस तरह। इसके अलावा कुछ अजम्पशन लॉग मेरी अपडेट होती है, अजम्पशन लॉग के बारे में मैंने भी डिटेल में उस दिन आपको बताया था, अजम्पशन लॉग हो गया, रिस्क रजिस्टर हो गया, लेसन लर्न रजिस्टर हो गया। आप ये हर प्रोसेस में इसको समझ लें कि ये लाजमी आपका एक इनपुट है हर प्रोसेस में। इनपुट क्यों है, इनपुट इसलिए है कि मैंने सीक्वेंस एक्टिविटीज के बारे में कुछ अजम्पशंस होंगी वो मैंने लिखी हुई होंगी। अजम्पशंस क्या है कि यार जब मेरा मैं लेट से एक एक्टिविटी है, मैंने प्रोक्योरमेंट की एक एक्टिविटी करनी है और मैंने कहा कि यार वो प्रोक्योरमेंट इस डेट को इससे पहले ही हो जाएगी, इसके पीछे अजम्पशन ये है कि इस तरह की चीज ये जो मैं मार्केट से खरीदने जा रहा हूँ वेंडर पाकिस्तान में मिलता है। अगर ये अजम्पशन नहीं है तो फिर ऑब्वियसली मेरे ये सारा प्लान जो स्केड्यूल है वो खराब हो जाएगा, फिर तो मुझे बाहर से इम्पोर्ट करवाना है, उसके लिए मुझे बहुत सारे काम और करने पड़ेंगे। तो आपने हर चीज के बारे में आपकी कुछ अजम्पशंस एंड कुछ कंस्ट्रेंट्स, जो कि अजम्पशन लॉग में दो ही चीजें अजम्पशन है और कंस्ट्रेंट्स है, वो लिखे होते हैं। अब आपको ये पता करना है कि भाई मेरा जो प्रोसेस इस वक्त है, अभी हम तो सीक्वेंस एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ हर प्रोसेस के शुरू में आपने देखना है कि आपके प्रोसेस से रिलेटेड कौन से assumptions और कौन सी constraints हैं, उनको सामने रखते हुए आपने वो process perform करना होता है। like अभी हमें जो sequence activities करनी है, हम वो constraints और you know, जैसे अभी उमर ने पूछा था कि यार हमें कौन बताता है कि ये काम पहले होगा या बाद में होगा, वो constraints and assumptions हम देख के करते हैं, एक बात। दूसरी बात, रिस्क इस प्रोसेस से रिलेटेड एक्टिविटीज को सीक्वेंस करते हुए कोई रिस्क मुझे मद्देनजर रखने या नहीं रखने, वो रिस्क रजिस्टर मुझे बताएगा कि भाई ये रिस्क है और इन रिस्क को आप एडजस्ट कर सकते हो बाय प्रॉपरली सीक्वेंसिंग द एक्टिविटीज। जैसे मैंने कहा था बजट में टैक्स बढ़ने का अंदेशा है, ये रिस्क है, उसका सलूशन आपने क्या निकाला, उस रिस्क का रिस्पॉन्स का निकाला, इसको पहले कर लो। अच्छा, ईद से बात होना है, पहले कर लो, रमजान रूटीन आनी है आगे ले जाओ। तो ये जो रिस्क थे उन रिस्क को मैंने डील किया विद अप्रोप्रिएट प्लानिंग, तो मुझे इसका मतलब है इनपुट पे रिस्क रजिस्टर मिलना चाहिए, उसको देख के मैं अपनी ये सीक्वेंसिंग कर सकूंगा। तीसरी चीज मैंने आपको कहा कि मेरे पास लेसन लर्नड रजिस्टर होना, लेसन लर्नड रजिस्टर इसलिए होना चाहिए कि यार सीख, और मैंने आपको एक बात ये बड़ी क्लियरली बताई कि जो लेसन लर्नड रजिस्टर है वो हमारे इस प्रोजेक्ट का रजिस्टर है, ठीक है, और एक वो है जो ओपीएस के अंदर लेसन लर्नड फ्रॉम प्रीवियस प्रोजेक्ट है, वो भी मेरा इनपुट होता है, उसको भी मैं देखूंगा। लेकिन ये हो सकता है कि मैंने एक्टिविटीज कुछ सीक्वेंस की और पहले महीने में की, अब मेरा तीसरा या चौथा या प्रोजेक्ट पांच महीने में एंटर हो चुका है और उसके अंदर आई वांट टू नो, सॉरी मैं दोबारा कुछ एक्टिविटीज को सीक्वेंस कर रहा हूं, तो आई वुड लाइक टू सी कि यार कौन से लेसन्स पिछली दफा मेरी मिस्टेक्स हुई थी या मैंने सीक्वेंस करने के लिए क्या क्या काम पिछली दफा किए थे। अच्छा, अब ये मेरे पास सीक्वेंस एक्टिविटीज के अंदर ये इनपुट्स तो पक्के हैं। अब आउटपुट पे, और ये हर प्रोसेस के अंदर है, इस वक्त जो मैं बता रहा हूँ, अजम्पशन लॉग हो गया, रिस्क रजिस्टर हो गया, और मैंने आपको क्या बताया, अजम्पशन लॉग, रिस्क रजिस्टर एंड लेसन लर्न्ड रजिस्टर, ओपीएस के अलावा, ठीक है। ये अपडेट भी फिर होंगे, अपडेट क्यों होंगे, हो सकता है सीक्वेंस एक्टिविटीज जब मैं कर रहा था तो मुझे नजर आया कि यार ये कुछ नए रिस्क आ रहे हैं, अगर मैं इसको यूं करता हूं और इसको यूं करता हूं तो ये मसला आ जाएगा। अब ये जो आपने नया रिस्क आइडेंटिफाई किया है, यू वुड लाइक टू एंटर इट इनटू द रिस्क रजिस्टर, दैट मींस मेरा रिस्क रजिस्टर अपडेट हो गया। इसी तरह कुछ नई अजम्पशंस आ सकती हैं कि यार ठीक है हम कर तो रहे हैं, लेकिन अजम्पशन ये है कि जब पांच बंदे इस पे काम करेंगे तो फिर ये टोटल टाइम जो लगेगा वो तीन दिन का लगेगा, और ये पांच बंदे बिगिनर लेवल है या हायर लेवल है, एंड सो ऑन।
That means register throughout the project हम लोग साथ-साथ इसको अपडेट करते रहेंगे तीनों करते रहेंगे बिल्कुल तीनों ये लास्ट में और भी बहुत सारी चीजें ऐसा नहीं है कि शुरू में हमने लिख के छोड़ देना नहीं 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 बिल्कुल लगातार हर प्रोसेस में से आपको नए assumptions नए constraints मतलब आप जब डिस्कस कर रहे होते हो 100 प्लस एक्टिविटीज है तो आप देखो कि यार ओहो ये तो अब हम पे एक पाबंदी आ गई ना कि लाजमी ये करना है ये तो हमने लिखा नहीं हुआ था अगर आपको लाजमी दो एक्टिविटीज तरह पैरेलल में शुरू करनी है Because of some constraint, तो आप इस constraint को और ये पहले note down नहीं हुआ हुआ ये क्यों करते हैं ये हम इसलिए करते हैं कि यार project के अंदर team members कुछ आ रहे होते हैं कुछ जा रहे होते हैं कुछ ने अपना काम किया और चले गए और नया project manager आ गया या assistant manager आ गया या कुछ team members ने अपना काम किया और चले गए अब एक साहब बात में आते हैं मोहतरमा बात में आते हैं कहते हैं यार ये क्या बेवकूफ़ी है इसको आगे पीछे क्यों किया हुआ है वो जो आगे पीछे करने की रीजनिंग है वो कंस्ट्रेंट है या वो assumption है तो मुझे कहीं नोट डाउन करनी पड़ेगी ना सिस्टमैटिक वे में काम करने तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब आपका सिस्टम बन जाता